प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और माना जा रहा है आचार संहिता लागू होने से पहले प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र में ये आखिरी दौरा होगा और इस आखिरी दौरे में प्रधानमंत्री अपने 5 साल पहले का सबसे बड़ा सपना पूरा करेंगे। आपको हम दिखा दें, हमारे पीछे विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की शुरुआत जो जहाँ से होनी है वो एरिया है, ये रास्ता जो अभी तक पैदल चलने लायक नहीं था वहाँ पर अब गाड़ियों को उतारने की तैयारी है। ये विश्वनाथ मंदिर जाने वाला ही मार्ग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको पक्का किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर तमाम घर थे जिनको गिराने के बाद इस रास्ते को तैयार किया गया है और इस रास्ते से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाड़ियों का काफिला सीधे विश्वनाथ मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुँचेगा। ये अपने आप में पहली बार होगा जो विश्वनाथ मंदिर जहाँ पर पैदल चलने की स्थिति नहीं थी वहाँ पर एक गाड़ी का काफिला लेकर जाया जाएगा प्रधानमंत्री की खुद, और यहाँ पर प्रधानमंत्री को भूमि पूजन करना है। परियोजना की भूमि पूजन के हित माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी 8 तारीख को प्रातः का भूमि पूजन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में भूमि पूजन होगा और उसके उपरांत जिस शीघ्रता से हम लोग ने इसका अभी तक कार्य किया है उसी शीघ्रता से आगे भी अब इसके निर्माण के लिए हम लोग कदम बढ़ाएंगे। लगभग सुबह 8:30 बजे प्रधानमंत्री को 8 मार्च को वाराणसी पहुंचना है और यहां पर शिलान्यास करने के साथ ही उनको एक मंच बनाया जा रहा है जिस मंच से वो सीधे कॉरिडोर से जो गंगा का रास्ता है उसका अवलोकन करेंगे, यानी जो 800 मीटर का रास्ता है जहां से गंगा पाथवे होते हुए सीधे विश्वनाथ मंदिर तक आना है उस रास्ते को देखेंगे प्रधानमंत्री सीधे विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र से। कुल मिलाकर कहा जाए तो इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है वाराणसी से, क्योंकि विश्वनाथ मंदिर जहां पर पैदल चलना मुश्किल था, टू व्हीलर से जाना मुश्किल था, अब वहां पर गाड़ियां पहुंचने वाली। वाराणसी में प्रधानमंत्री का 8 मार्च को होने वाला दौरा ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि उनका एक बड़ा सपना यहां पर पूरा होगा। गोपाल मिश्र, ईटीवी, वाराणसी।